हेलो एवरीवन, तो आज हम सीखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग मेथड। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल ऑन इंट्राडे, डेडिकेटेड वीडियो फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। सो फ्रेंड्स, एक बार बात मैंने बहुत सुनी है अबाउट वीवेब, तो चलिए देखते हैं वीवेब। वीवेब जो है उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, डिटेल में अगर जाए तो बहुत टाइम लगता है इसमें, बट इन टूडे वीडियो आई विल शो यू, आई विल टीच यू हाउ कैन यू यूज। क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट वही है कि उसको लुक्रेटिव वे में कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, दिस इज द 30 मिनट चार्ट ऑफ निफ्टी। इसमें अलग अलग वेरिएशन है, उसके डिफरेंट यूजेस है जो हमने डेवलप किए हैं, कई हमने डेवलप किए हैं और कई सालों से चलते आ रहे हैं, तो वो मैं क्लियर करूंगा कि हमें ये लग रहा है, और जो ऑलरेडी यूज चल रहे हैं ट्रेडिशनल वे में सालों से वो भी मैं आपको बता दूंगा। सो बिफोर स्टार्टिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड लव डियर सब्सक्राइबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे ही ये मेरे सॉफ्टवेयर में मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एड स्टडी में वीवेब मुझे यहाँ से मिल जाता है। इसका कैलकुलेशन बहुत आसान है, वो आपको कहीं से भी मिल सकता है, पर मैं उसमें टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। हमें जानना है कि कैसे यूज़ करना है, वही हमारा काम है। हमें नहीं पता है कि सीट बेल्ट या एयरबैग किस कंपनी ने ढूंढा था, ओके, और कैसे एयरबैग बाहर आती है सभी लोगों को पता नहीं है, पर हमें उसके यूज़ पता है कि वो हमें सेव करता है। सो सेम वे टुडे आई एम गोइंग टू शेयर यू एंड टीच यू अबाउट वीवेब। चलिए देखते हैं, दिस इज द डेडिकेटेड इंडिकेटर, पर कई लोग हिस्टोरिकल वीवेब भी यूज़ करते हैं, और सुना है कि FII, DII और जो HNI क्लाइंट्स होते हैं वो इनफ्लो जानने के लिए, आउटफ्लो जानने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, और वॉल्यूम, उस पर वॉल्यूम एंड प्राइस से ये कैलकुलेट होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये मैंने एवरेज ऐड कर दी है, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। अभी दोस्तों आपको कैलकुलेशन पता है, पर हाउ टू यूटिलाइज, हाउ टू यूज ये नहीं पता है, तो कैलकुलेशन कोई मतलब नहीं है। पर कैलकुलेशन पता नहीं है पर कैसे यूज कर सकते हैं, हाउ कैन यू यूटिलाइज, हाउ कैन यू होल्ड एंड हाउ कैन यू एक्सीलरेट योर प्रॉफिट, तो फिर कैलकुलेशन की क्या जरूरत है, ओके? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। निफ्टी का 30 मिनट्स का चार्ट है, कैश चार्ट है। मैंने यहाँ पे अलग अलग यूजेस आपके लिए रेडी रखे हैं, तो ये भी रहेगा पूरा डेडिकेटेड वीडियो। अभी तक हमें लगा कि दिस 5 यूजेस, राइट, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वन बाय वन। Define the brand. This is very important, friends. ये जो वीवेब है उसे you can define the brand of any stock. Right? So ये तो बहुत आसान है, this is a traditional way. तो वो हमने ढूंढा नहीं है, वो तो सालों से चलता रहा है। As well as आप add करोगे तो आपको यूं ही पता चल जाएगा। और मैं बता दूं, कई लोग 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी यूज़ करते हैं, पर मुझे एडवाइजेबल लगा इक्विटी मार्केट के लिए 30 मिनट चार्ट। दोस्तों ये कॉल हमने लिया है, ये इनिशिएटिव हमने लिया है कि टाइम फ्रेम भी हम आपको एडवाइस करें, ओके? अभी हमने 30 मिनट क्यों लिया है, क्योंकि हमारी जो एग्जिट है उसके हिसाब से ये सूटेबल है। अभी बात ये आती है कि इक्विटी मार्केट के लिए यू कैन गो विथ द 30 मिनट्स चार्ट, एंड फॉर कॉमोडिटी यू कैन गो विथ द 1 आवर चार्ट, यानी 60 मिनट चार्ट, ओके? तो फर्स्ट थिंग इज हाउ टू डिफाइन द ट्रेंड विद द हेल्प ऑफ वीवेब। तो पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे जब भी ये वीवेब के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा हो तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव ट्रेंड, राइट? यूजफुल इतना नहीं है, पर कई लोग तो यूं ही ट्रेड कर देते हैं, तो उससे तो अच्छा ही है, राइट? तो वीवेब के ऊपर ट्रेड होना इट्स अ गुड साइन, हर चीज़ में बताऊंगा आपको। कई लोग वीवेब के ऊपर ट्रेड होता है तो ये भी कहते हैं कि अभी प्राइस नीचे आ सकता है, पर मैं आपको एवरीथिंग आई विल शेयर विथ यू गाइस। तो इसके वीवेब के ऊपर ट्रेड होना इट्स अ पॉजिटिव साइन, वीवेब के नीचे ट्रेड होना इट्स अ नेगेटिव साइन, ओके?
दिस इज द इजी वे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी में दिन था फर्स्ट, आप देख सकते हो 1st December, सो प्राइस वॉज मूविंग अबाउट द वी वैप, सो इट्स अ पॉजिटिव साइन। तो ये तो आसान है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट वॉज मूविंग बिलो द वी वैप, सो ट्रेंड इज नेगेटिव, पर इट्स अ गुड थिंग, राइट। अगर कई लोग यूं ही ट्रेड करते हैं तो उनसे तो अच्छा ही है। कई लोगों ने आज IRCTC शॉर्ट किया, कई लोगों ने कुछ और शॉर्ट किया विदाउट एनी स्टॉप लॉस, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप देख सकते हो IRCTC VWAP के ऊपर ट्रेड हो रहा था, सो देयर वॉज नो ट्रेड, राइट, देयर वॉज नो शॉर्ट ट्रेड, ओके। पर एडवाइजेबल है कि ये चीज़ आप किसी एक चीज़ में, किसी एक स्टॉक में भी कर सकते हो, यानी सिर्फ निफ्टी या सिर्फ बैंक निफ्टी। सो डेडिकेटेड निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको और ज़्यादा एक्सीलरेट करना है, ग्रुप बियॉन्ड निफ्टी और बैंक निफ्टी जाना है, देन यू कैन गो विथ निफ्टी 50 और सो, और उससे भी ज़्यादा एक्सपांड करना है, सो लास्ट इज फ्यूचर एंड ऑप्शन ग्रुप, ओके। तो आज मैं जो सिखाऊंगा वो ओनली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे मैं बता दूंगा। आज जो निफ्टी बैंक में हुआ तो वहाँ पे भी आप देख लीजिए, यहाँ से आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत अप ट्रेंड था, फिर वापस उसके नीचे डाउन ट्रेंड था और वापस ऊपर अप ट्रेंड था। सो इसीलिए दिक्कत ये है कि क्या ट्रेड करें, कहाँ से एंट्री ले, राइट, व्हाट इज द एंट्री पॉइंट एंड हाउ कैन वी होल्ड इट एंड हाउ कैन वी एक्सीलरेट द प्रॉफिट। तो चलिए दोस्तों आगे और मूव होते हैं और लेवल्स चलते हैं, लेवल्स और बढ़ाते हैं धीरे धीरे। सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। नाउ एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये भी क्लासिकल वे है, दिस इज ऑल्सो द ट्रेडिशनल वे, दिखा देता हूँ, शो यू फ्रेंड्स ऑन निफ्टी। एज अ रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट, यहां पे देखिए 25th November को निफ्टी के कैश चार्ट में प्राइस वॉज मूविंग बिलो द वी वैप, और यहाँ पे एक शैडो था जिसने सिर्फ टच किया और क्लोज नीचे लिया। तो ऐसी कैंडल हमें चाहिए जिसे हम एज अ रेजिस्टेंस कन्फर्म कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकंड न्यूज, विच वन इज माई फेवरेट आउट ऑफ 5, वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा आपको, ओके, मैं कन्फ्यूज करना नहीं चाहता हूँ। जो भी कैंडल का हाई शैडो इसको बाहर होता है बियॉन्ड दिस वी वेब, अभी मैं बात कर रहा हूँ रेजिस्टेंस, पर उसका ओपन और क्लोज नीचे, वो रेड कैंडल के नीचे आप वो लो ब्रेक होने के बाद यू कैन से द रेजिस्टेंस हैज बीन कन्फर्म। कई लोग क्या करते हैं, जैसे ही प्राइस वी वेब पे टच होता है वहीं से शॉर्ट करने लगते हैं। सो नेवर डू दिस थिंग फ्रेंड्स, नेवर गो अपोजिट टू द ट्रेंड, राइट, ऑलवेज कन्फर्म लेट ट्रेंड कन्फर्म उसके बाद, ओके। नाउ बिलो दिस लो 1299.875, वहाँ से सेल जनरेट हो सकता है, दिस इज ऑनली फॉर एजुकेशनल पर्पज दोस्तों, एंड द हाई 13039.75 वॉज द स्टॉप लॉस। मैं ऑलवेज कहता हूँ इन ईच एंड एवरी वीडियो, ऑलवेज ट्राई टू होल्ड योर पोजिशन एंड एंजॉय योर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। सो यहाँ पे एवरी 30 मिनट्स यू कैन रिवाइज द स्टॉप लॉस, फर्स्ट ये हाई था, फिर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कैंडल द हाई ऑफ दिस कैंडल वुड बी योर न्यू स्टॉप लॉस। सो एवरी 30 मिनट यू कुड रिवाइज द स्टॉप लॉस विद द हाई ऑफ प्रीवियस कैंडल। सो दिस इज द वे, एंड फाइनली दिस इज द एंड ऑफ द डे, सो 3:30 का मार्केट क्लोज होता है, तो यहाँ पे 3:20 को या 3:15 को या फिर आपके जो ब्रोकर फैसिलिटी देते हैं जो भी ऑटो स्क्वायर अप की, तो एज पर दैट टाइम यहाँ पे कवर पोजीशन कर देनी है, क्योंकि स्टॉप लॉस हुआ ही नहीं है। पर कई लोग पोजीशन कैरी कर देते हैं, वो गलती कभी मत कीजिए। नाउ टाइम टू टॉक अबाउट द सपोर्ट, तो सेम वे यहाँ पे कोई जब प्राइस ऊपर ट्रेड कर रहा हो और कोई शैडो ये विवेक के नीचे जाता है, okay? उसके हाई के ऊपर से कह सकते हो कि सपोर्ट हैज बीन कन्फर्म,
ये डू आपका स्टॉप लॉस एंड एवरी 30 मिनट यू जस्ट नीड टू रिवाइज द स्टॉप लॉस। कैंडल का कलर एज अ सपोर्ट यहाँ पे अभी फिलहाल मैं ग्रीन और एज अ रेजिस्टेंस रेड बता रहा हूँ। ओके सो दिस इज ऑल्सो द गुड वे, दिस इज द ट्रेडिशनल वे, ओके, जो सालों से यूज होता आ रहा है। पर एक चीज क्लियर कीजिएगा, टच होते ही सेल नहीं करना है, टच होते ही बाय नहीं करना है। ओके फर्स्ट वी नीड टू कंफर्म द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ओके फाइन, अभी देखते हैं कंटिन्यू ट्रेंड एंड उसके बाद है फैंड रिवर्सल। चलिए फर्स्ट वी लर्न ट्रेंड कंटिन्यू है तब क्या करना है? ये हमारा डेवलपमेंट है, किसी और को भी पता हो सकता है। ओके ऐसा जरूरी नहीं है डेवलप हमने किया, ऐसा अभी हमें फिलहाल लग रहा है क्योंकि मुझे हमने खुद इस पे वर्कआउट किया हुआ है, राइट। चलिए तो अभी देखते हैं निफ्टी में ट्रेंड कंटिन्यूस में क्या करेंगे। जब भी कैंडल वीवीएफ के ऊपर है, प्राइस उसके ऊपर है, दैट टाइम यू शुड लुक फॉर द रेड कैंडल। ओके उसके हाई से लॉन्ग हो सकता है, रेड कैंडल का लो स्टॉप लॉस, फिर एवरी 30 मिनट रिवाइज द स्टॉप लॉस। यानी जब भी कैंडल वीवीएफ के ऊपर हो देन यू मस्ट लुक फॉर ओनली बाय बाय एंड बाय, राइट। और जब भी कैंडल वीवीएफ के नीचे हो, सो हियर आप देख सकते हो कि ये ग्रीन कैंडल जो है वो वीवीएफ के नीचे है, सो इन डाउन ट्रेंड वी विल वेट फॉर द ग्रीन कैंडल। सो हम ट्रैप नहीं हो उसकी हम ट्राई कर रहे हैं, राइट, वी कैन जस्ट ट्राई, देयर इज नो गारंटी। सो हियर बिलो द वीवीएफ वी हैव गॉट द वन ग्रीन कैंडल, सो द लो इज 29689.80 एंड द हाई 2985.20, इट्स इट इज अवर स्टॉप लॉस। नेक्स्ट कैंडल में ही जनरेट हो जाना चाहिए, फिर रिवाइज द स्टॉप लॉस विद द हायर प्रीवियस कैंडल। और व्हाट हैपेंड हियर, योर स्टॉप लॉस वाज ट्रिगर्ड हियर, राइट। उसके बाद अगेन वी हैव गॉट द ग्रीन कैंडल, सो यहाँ पे इसके लो के नीचे भी जा सकते हैं, राइट। सो दिस इज अ कंटिन्यूस ट्रेंड। सो जब भी वीवीएफ के नीचे प्राइस हो लुक फॉर द ग्रीन कैंडल, वीवीएफ के ऊपर हो तो लुक फॉर द रेड कैंडल, स्टॉप लॉस हो सकता है। रही बात एक्यूरेसी की, तो जितनी कम आएगी उतना प्रॉफिट बड़ा आएगा, ओके, बिकॉज वी नेवर ट्रेड फॉर द एक्यूरेसी, वी ट्रेड फॉर प्रॉफिट। सो दिस इज द यूनिक वे विच वी हैव डिस्कस। अभी मेरा जो सबसे फेवरेट है वो मैं आपको बता देता हूँ, दिस टू आर माई फेवरेट, ट्रेंड रिवर्सल एंड विथ वीएक्स। सभी सेटअप में नेक्स्ट कैंडल में जनरेट, ओके वो मुझे क्लियर करना था। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड रिवर्सल। मैंने कई बुक्स में ऐसा भी पढ़ा है कि वीवीएफ के ऊपर ट्रेड होना यानी प्राइस कैन कम डाउन, और वीवीएफ के नीचे ट्रेड होना यानी वो ऊपर आ सकता है। अभी जो हमारा थर्ड सेटअप था उससे पूरा उल्टा है, राइट, कॉन्ट्रोवर्सियल स्टेटमेंट। तो मैं बता दूँ मुझे ये सेटअप सबसे अच्छा लगा है, दिखा देता हूँ। जब भी वीवीएफ के ऊपर डेफिनेटली थर्ड नंबर इज ऑल्सो गुड, इट इज ऑल्सो माई फेवरेट, जहाँ पे ट्रेंड के साथ जाना है। फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो तो नॉर्मल चीज़ है, समझने के लिए है, सिर्फ थियरी है जो आपको कुछ काम वैसे नहीं आएगा, ओके, पर उससे अच्छा 3, 4, 5 है हमारे पास, ओके। सो नाउ जब भी प्राइस वीवीएफ के ऊपर ट्रैवल कर रहा हो, सो यहाँ पे और कैंडल का कलर नाउ ग्रीन, वो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल की वेट करनी है और ये लो आपका एंट्री प्राइस बन सकता है, ये हाई स्टॉप लॉस एंड रिवाइज विद द हाई ऑफ प्रीवियस कैंडल। अब वीवीएफ के नीचे जब ट्रेड कर रहा हो और आपको रेड कैंडल मिलता है, नाउ
for buy we will look for red candle. So यहाँ पे ये high के ऊपर you can go for long 13205. Stop loss will be the 13152. Now same way you just need to revise the stop loss with the low of previous candle. जब short में होते हैं तो we should revise the stop loss with the high of previous candle. ये केस में आप देख सकते हो कि ये जो स्टॉप लॉस ये हाई था 13248.75 बट यहाँ पे पहले बिफोर लो इट ब्रोक द हाई. ओके सो ये केस में स्टॉप लॉस रहेगा एंड प्री कैंडल 13250.30. नाउ वी नीड टू रिवाइज द स्टॉप. ओके और यहाँ पे रेड कैंडल था इट वॉज बिलो द वी वैप राइट. तो यहां से आप रिवर्सल में भी जा सकते हो. ओके नाउ यू जस्ट नीड टू रिवर्स द स्टॉप लॉस विद द लो ऑफ प्रीवियस कैंडल. कैंडल अनटच हो तो और अच्छा रिजल्ट फिल्टरेशन के लिए अच्छा है राइट. यहां पे अनटच है ग्रीन कैंडल, यहां पे अनटच है रेड कैंडल. ओके नाउ लास्ट वन इज विथ VXL देख लेते हैं. निफ्टी 30 मिनट चार्ट इसमें कुछ नहीं है. यहाँ पे डबल प्रोटेक्शन डबल ट्रेंड की स्ट्रेंथ हम वो कर रहे हैं राइट. डबल इंश्योरेंस ले रहे हैं. वी वेब के ऊपर ट्रेड होना इट्स अ गुड साइन क्योंकि ट्रेंड में स्ट्रेंथ है पर उसके साथ यहाँ पे वी नीड वन कैंडल रिएक्शन. ओके ये एक्शन हो गया और एक क्लोज नीचे रिएक्शन हो गया फिर ये कैंडल के हाई पे लॉन्ग. द लो ऑफ द रिएक्शन कैंडल विल बी योर स्टॉप लॉस. फिर स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाना तो आपकी एंट्री 12925.40 स्टॉप लॉस 12868.55 नाउ रिवाइज द स्टॉप लॉस और यहाँ पे लास्ट में दिस इज द एंड ऑफ द डे तो निकल ही जाना है राइट. सो दिस वे यू कैन ट्रेड यू कैन कंबाइन with the price action called action reaction theory with the VWAP. चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक में. यहाँ पे देखिए VWAP के ऊपर क्लोज देना रिएक्शन लेना तो ये हाई पे एंट्री हो सकती है. ये स्टॉप लॉस फिर रिवाइज करते जाए ठीक है. ऐसा नहीं है दोस्तों स्टॉप लॉस हो सकता है ठीक है. 100 टाइम्स मैं कहना चाहूँगा कि स्टॉप लॉस हो सकता है और होना भी चाहिए. कोई भी ब्रिज होता है दोस्तों वो हिलना चाहिए राइट. तो सेम वे आपके ट्रेडिंग प्लान में भी स्टॉप लॉस को ट्रेड होने चाहिए पर प्रॉफिट जो है उसे मैक्सिमाइज करना. यहाँ पे रिएक्शन कैंडल अनटच नहीं हो तो चलेगा. देखिए यहाँ पे वीवेप के नीचे क्लोज देना रिएक्शन देना ये लो के नीचे यहाँ से शॉर्ट जनरेट होता है यह स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस रिवाइज की मेथड सेम रहेगी. ओके फ्रेंड्स सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. तो जितना हो सके आपके व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप या कोई भी ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि कोई भी चीज़ से क्या क्या यूजेस हो सकते हैं राइट. और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन. फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर फॉलो द स्टॉप लॉस.